नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना समेत कई जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार के सभी जिलों में चला वाहन जांच अभियान। इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी हिंदी सहित 11 भाषाओं में। 16 लोगों की जान जाने के मामले में नप गया पूरा थाना। चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में इंजीनियरिंग और क्लर्क समेत कई पदों पर निकाली गई बम्पर वैकेंसी। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में 21,000 नियुक्ति करने की तैयारी हो रही है। इसमें जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर शामिल है। साथ ही UDC, LDC, स्टोर कीपर, लैब टेक्नीशियन और अन्य के लिए तकरीब 20,000 पद सृजन कर बहाली की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही विभाग में चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी अतिरिक्त पदों का सृजन करने की तैयारी है। विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण इलाकों में यातायात की व्यवस्था बेहतर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। विभागीय सूत्रों की माने तो राज्य में इंजीनियरों और कर्मियों की बहाली से विभाग के अंतर्गत तय समय में बेहतर सड़कों का निर्माण और पहले से बनी सड़कों का मेंटेनेंस कर दुरुस्त करना आसान होगा। पटना समेत कई जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार के अधिकांश जिलों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा का प्रभाव बढ़ने से बारिश शुरू हो गई है। यही कारण है कि उत्तर बिहार के अधिकतर इलाकों में शनिवार को बारिश हुई। हालांकि कहीं पर यह अधिक तो कहीं पर रिमझिम होकर बरसी। राजधानी में रविवार से भारी बारिश की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों तक मौसम का यह मिजाज बना रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अधिक सक्रियता दिखा सकता है। आपको यह भी बता दें कि पिछले 1 हफ्ते से बारिश का सिलसिला कुछ कम हुआ था, लेकिन अब स्थिति फिर से बदलेगी। बारिश के दौरान गरज और ठनका की आशंका भी रहेगी। शनिवार को वज्रपात से रोहतास में 2 और बांका में 1 व्यक्ति की जान चली गई। वहीं कई लोग जख्मी भी हो गए थे। प्रदेश में अलर्ट जारी है। IMD पटना के क्षेत्रीय प्रभारी विवेक सिन्हा ने कहा कि 22 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में विशेष चक्रवात बन रहा है, जिसके कारण ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार के सभी जिलों में चला वाहन जांच अभियान। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए परिवहन मंत्री शीला मंडल द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में सफर करने वाले यात्रियों, कंडक्टर तथा चालकों द्वारा मास्क न लगाने एवं मनमाना भाड़ा वसूलने वाले पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जिसके बाद शनिवार को सभी जिलों में विशेष जाँच अभियान चलाया गया, जहाँ पर सार्वजनिक परिवहन में वाहनों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क जाँच सहित मनमाना भाड़ा वसूली के विरुद्ध कुल 534 सार्वजनिक परिवहन के वाहनों की जांच की गई, जहां 184 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया, वहीं 15 वाहनों को जब्त किया गया। इसके साथ ही ऑटो और बस में बिना मास्क लगाए सफर करने वाले यात्रियों को मास्क लगवाना सुनिश्चित किया गया और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। इंजीनियरिंग में पढ़ाई होगी हिंदी सहित 11 भाषाओं में। देश के 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी सहित 11 भाषाओं में इसी सत्र से पढ़ाई शुरू होने वाली है, जिसकी जानकारी भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि पहली बार हिंदी, बांग्ला, मराठी सहित 11 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाली है, जिसके तहत सरकार के इस फैसले का फायदा उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों के ग्रामीण इलाकों के छात्र छात्राओं को होगा, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें अंग्रेजी समझने में आज भी परेशानी होती है। कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित 154 नेताओं पर दर्ज हुआ मामला। बीते दिन महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि बिना अनुमति के साइकिल रैली निकालने के मामले में कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष समेत 154 नेताओं पर कार्यकर्ता पर पटना के गांधी मैदान थाना में केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही COVID-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप भी मजिस्ट्रेट की तरफ से शनिवार की रात गांधी मैदान थाने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, MLC प्रेमचंद्र समेत 4 नामजद और 150 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, महंगाई को मुद्दा बनाकर देश में कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। इसी कड़ी में बिहार के जिलों में विरोध प्रदर्शन करने के बाद शनिवार को राजधानी पटना की सड़कों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया था, जिसकी शुरुआत पटना के बोरिंग रोड से हुई थी। गूगल डूडल बनाकर पहली महिला डॉक्टर्स में से एक कादम्बिनी गांगुली को दी श्रद्धांजलि। भारत की पहली महिला डॉक्टरों में शुमार कादम्बिनी गांगुली का आज 160वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर गूगल ने भी उन्हें खास तरीके से याद किया है, जिसके तहत गूगल ने उनके जीवन पर कार्य का सम्मान करते हुए जन्मदिन पर डूडल बनाए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, गांगुली का जन्म 18 जुलाई 1861 को हुआ था और वो 1884 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला बनी थी। उनके द्वारा यह एक असाधारण उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय मेडिकल कॉलेज एडमिशन लेने वालों में लगभग पुरुष ही होते थे। वहीं कादम्बिनी गांगुली ने मुंबई की रहने वाली आनंदीबाई जोशी जैसी अन्य महिला डॉक्टर के साथ महिलाओं के लिए भारत में एक सफल मेडिकल प्रैक्टिस का बीड़ा उठाया था। इतना ही नहीं, 1886 में दक्षिण एशिया में यूरोपीय
टेलीमेडिसिन में ट्रेंड होने वाली पहली महिला डॉक्टर बनने के साथ ही 3 साल बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में मंच पर आने वाली पहली महिला भी बनी थी। बिटकॉइन के नाम पर युवक ने की ठगी, यह वाकया समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय का है। एक युवक द्वारा दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के रामपुर जलालपुर गाँव में बिटकॉइन के नाम पर हजारों लोगों को ठगी करने का मामला सामने आया है। गाँव वालों की माने तो वार्ड 9 के रहने वाले पंकज कुमार चौधरी ने ग्रामीणों के साथ करीब 100 करोड़ की ठगी की है और फिर अपने परिवार के साथ गाँव छोड़कर फरार हो गया। उसके बाद फरार होने से अब लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस मामले में पीड़ित ने अब थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। गांव वालों का कहना है कि साल 2017 में ही पंकज ने अपने सगे संबंधियों और गांव के ही 3 दोस्तों शिवम चौधरी, अमित कुमार उर्फ मिथुन और सौरभ कुमार के साथ मिलकर ग्रामीण से बिटकॉइन में निवेश और गाँव में अस्पताल निर्माण की बात कहते हुए कम से कम 1 लाख रुपए के निवेश के एवज में 10,000 रुपए प्रतिमा देने का झांसा दिया। उसके झांसे में आकर ग्रामीणों ने निवेश करना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक लोगों को राशि के हिसाब से मुनाफा भी मिला। इसके बाद ग्रामीणों ने कर्ज जमीन और जेवर बेचकर 1 लाख से 50 लाख तक निवेश कर दिया। कुछ महीने से पंकज ग्रामीण को राशि देने में आनाकानी कर रहा है, जिसके बाद अब वो फरार हो गया है। बिहार में पहले चरण में शिक्षकों के चयन को लेकर संशय खत्म। शिक्षा विभाग 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों के पद के लिए पहले चरण में हुई काउंसलिंग में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची जारी करने वाला है, जिसके तहत विभाग ने 20 जुलाई तक प्रत्येक जिले के NIC की वेबसाइट पर शिक्षकों की चयन सूची को अपलोड कर सार्वजनिक करने का आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दे दिया है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का ख्याल रखने की बात कही है कि नियोजन निकायों में जो चयन सूची मिली है उसमें काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी मेधा सूची एवं आरक्षण रोस्टर का विभागीय आदेश के आलोक में सही तरीके से पालन हुआ है या नहीं। आपको बता दें, पहले चरण की काउंसलिंग में तकरीबन 400 नियोजन निकायों की काउंसलिंग और मेधा सूची रद्द की जा चुकी है। वहीं अब बाकी बचे नियोजन निकाय की चयन सूची काउंसलिंग के लिए बुलाई गई है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर केस दर्ज होने पर फंसने की कही बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधने का। इसी क्रम में उन्होंने सीनियर IAS सुधीर कुमार का केस दर्ज नहीं करने पर नीतीश कुमार पर फिर से निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि पटना के थाने में एक चीफ सेक्रेटरी स्तर के IAS अधिकारी केस दर्ज कराने के लिए 5 से 6 घंटे बैठे रहे, लेकिन उनकी बात तक नहीं सुनी गई। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। यह बात बहुत दूर तक जाएगी। विधानसभा में इस मामले को उठाया जाएगा। FIR करवाने का हक सबका है, लेकिन उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। उन्हें भी पता है कि अगर उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि IAS अधिकारी बकायदा दस्तावेजों के साथ CM नीतीश और कई बड़े अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करना चाहता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती है। नीतीश कुमार जी सुशासन की दुहाई देते हैं, लेकिन क्या यही सुशासन है। पंचायत चुनाव में जदयू के खिलाफ दिखेगी भाजपा। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर पकड़ने लगी है। EVM समेत तमाम मुद्दों के साथ ही पंचायत चुनाव सितंबर से अक्टूबर के बीच में आयोजित करवाए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच अब पंचायत चुनाव में भाजपा की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आई है। हालांकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने हैं, लेकिन इसके बावजूद पंचायत चुनाव में भाजपा ने अपने नेताओं को मैदान में उतारने की घोषणा कर दी, जिसकी जानकारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने दी है। जिसके तहत उन्होंने बताया कि इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य और फिर अध्यक्ष पद के लिए भाजपा अपने समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। यानी भाजपा के नेता जिला परिषद सदस्य के लिए मैदान में उतरेंगे और पार्टी की स्थानीय इकाई उनके लिए काम करेगी। संजय जायसवाल ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता अभी से ही पंचायत चुनाव के लिए काम करना शुरू कर दे, जिसके तहत भाजपा और जदयू एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं। वहीं भाजपा के एक नेता ने बताया कि उनकी पार्टी की मंशा से ज्यादा जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर अपने लोगों को बिठाना है। 16 लोगों की जान जाने के मामले में नप गया पूरा थाना। बिहार में 16 लोगों की संदिग्ध हालत में जान चली गई, जिसके बाद बेतिया के लौरिया के प्रभारी थाना अध्यक्ष KP यादव समेत 3 चौकीदारों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही लौरिया थाने में पदस्थापित सभी पुलिस पदाधिकारी पुलिस जवानों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके साथ ही लौरिया थानेदार राजीव कुमार रजक को भी पुलिस केंद्र में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया, क्योंकि राजीव कुमार मामले की संलिप्तता को देखते हुए भी अवकाश में काम पर नहीं लौटे थे। वहीं जान गंवाने वालों के परिजनों ने जहरीली शराब से जान जाने की खबर की पुष्टि की है। वहीं इस बाबत जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया है कि मामले में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने, सूचना संग्रहण नहीं करने के कारण अधीक्षक मद्य निषेध एवं निरीक्षक मद्य निषेध बघा अनुमंडल को भी शो कॉज किया गया है। साथ ही उन्हें शराब के धंधेबाजों के विरुद्ध आलोक में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। दरभंगा से लेह के लिए स्पाइस जेट की विमान सेवा शुरू। बिहार वासियों के लिए खुशखबरी, अगर आप भी बिहार से लेह की विमान यात्रा करना चाहते हैं तो स्पाइस जेट के विमान से आप ऐसा कर सकते हैं। 20 जुलाई से दरभंगा से लेह के बीच हवाई सेवा शुरू की जा रही है। लद्दाख में रहने वाले मिथिलावासियों के साथ वहां पर्यटन के लिहाज से जाने की इच्छा रखने वाले लोगों की यात्रा अब आसान हो जाएगी। इसके तहत इस रूट के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। यात्रियों को प्रति टिकट 7,261 रुपए देने होंगे। लेह से जहाज दिल्ली के लिए सुबह करीब 8 बजे पैसेंजरों को लेकर रवाना होगा। 1.5 घंटे बाद सुबह 9:30
बजे विमान दिल्ली पहुंच जाएगा। फिर दिल्ली से सुबह 11:10 पर दरभंगा के लिए दूसरी फ्लाइट मिलेगी, जो यात्रियों को दोपहर 12:50 पर दरभंगा उतारेगी। यात्रियों के अच्छे रिस्पांस को देखते हुए लगातार रूट का विस्तार किया जा रहा है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने गोपालगंज के सबैया हवाई अड्डे को रीजनल कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक में शामिल कर लिया है, जिससे बिहारवासियों को एक और एयरपोर्ट की सुविधा मिल गई है। पवित्र रिश्ता 2 में अंकिता और शेख की जोड़ी को लोगों ने किया नापसंद। सुशांत सिंह राजपूत को पॉपुलैरिटी पवित्र रिश्ता सीरियल से मिली थी, जिसमें अंकिता लोखंडे और सुशांत की केमिस्ट्री खूब पसंद की गई थी। लोगों के दिल में मानस का किरदार निभा रहे सुशांत और अर्चना का किरदार निभा रही अंकिता लोखंडे की जोड़ी बहुत पसंद आई थी, जिसके बाद अब एकता कपूर की धारावाहिक पवित्र रिश्ता का सीक्वल पवित्र रिश्ता 2 आने वाली है, जिसमें अर्चना का किरदार तो अंकिता लोखंडे निभा रही हैं, लेकिन मानव के किरदार में सुशांत की जगह शहीर शेख होंगे। आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे ने जब अपने इंस्टाग्राम आईडी पर पवित्र रिश्ता 2 के सेट से अपनी और शहीर शेख के साथ फोटो शेयर की, तो लोगों का गुस्सा इस तरह फूट गया कि लोगों ने पवित्र रिश्ता 2 को ट्विटर पर #boycottpavitrarishta2 ट्रेंड कर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि सुशांत नहीं तो मानव नहीं और पवित्र रिश्ता भी नहीं। रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस में उतरने के साथ कही अहम बात। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है, जहां टीम इंग्लैंड से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भिड़ने वाली है। हालांकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद भारतीय टीम छुट्टियां मना रही थी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 20 दिनों की छुट्टी के बाद मैदान में फिर से वापसी कर ली है, जिसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज जमकर प्रैक्टिस की, जिसमें टीम के प्रमुख बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भी खूब प्रैक्टिस की, जिसको लेकर उन्होंने अपना ट्वीट जारी किया है और हिंदी में लिखा कि हाथ में बल्ला और बल्ले के बीच से निकली गेंद, इसकी फील ही अलग है। भारत में मिले COVID-19 के 41,000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 41,157 मरीजों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 518 लोगों की जान चली गई। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा देखने को मिली, जिसके तहत कुल मिलाकर 42,004 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं नए संक्रमितों के साथ देश में अब 4,22,608 एक्टिव केस बच गए हैं। वहीं जान गंवाने वालों का आंकड़ा 4,13,602 पर पहुंच गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की माने तो COVID-19 की तीसरी लहर की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में सभी लोगों से अपील की गई है कि भले उनके आसपास मामलों में कमी देखने को मिल रही हो, लेकिन लोग यह कोशिश करें कि जब भी बाहर निकले COVID-19 के प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी सहित 11 भाषाओं में करवाने से छात्रों को इसका लाभ मिलेगा या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।